पेहवा के बोधनी गांव के पास पंजाब के युवक संदीप की हत्या के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही और दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार आरोपी मंजीत चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है और पुलिस विभाग में उसका रिकॉर्ड खराब होने के कारण परेशान था। इसी एवज में उसने करीब 2 साल पहले मृतक संदीप को 10 लाख रुपए दिए थे, जो उसका रिकॉर्ड ठीक करवाने के लिए दिए गए थे, लेकिन इतने समय में ना तो रिकॉर्ड ठीक हुआ और न ही पैसे वापसी हुए। डीएसपी नरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी। के संबंध में भी और शहरों के अंदर जो आपका बूथ का सत्र है उस पे भी हम बड़ी टीम खड़ी करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आप साथियों से बातचीत करी और जिम्मेवारियां लगाई। सर, चुटाला साहब जेल से तो चुटाला साहब की सजा पूरी होगी, लेकिन उनके हाथ में चोट लगी हुई है। अभी डॉक्टरों की सलाह है कि आप कुछ दिन आराम करो। जिस दिन प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे, आज रिहा होने पे इतनी बड़ी खलबली है दूसरी पार्टियों में कि हर पत्रकार इस बात के लिए मुझसे पूछ रहा है कि उनके आने के बाद क्या होगा, उनके आने के बाद हरियाणा। वहीं अभय चौटाला ने भाजपा और जजपा पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा को लूट रही हैं और इनके राज में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। अभय ने कहा कि इन पार्टियों के नेता अब घरों में कैद हो गए हैं और इन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जाता। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।